रांची के लालपुर स्थित डॉक्टर एसपी मुखर्जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा भावना से मरीजों और समाज के बीच एक अलग मुकाम बनाया है। इसीलिए वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी उम्र 86 वर्ष जरूर हो गई है, लेकिन वह आज भी 26 वर्ष युवा की तरह मरीजों की सेवा करते आपको कभी भी नजर आ जाएंगे। डॉक्टर एसपी मुखर्जी बताते हैं कि एक चिकित्सक को हमेशा ही अपने मरीजों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, तभी वह बेहतर तरीके से मरीज का इलाज कर सकते हैं। 55 साल मैंने 5 रुपये पर ही इलाज किया, 5 से ज़्यादा एक पैसा किसी से नहीं लिया, लेकिन ये लॉकडाउन के बाद हम इसको बढ़ाना मुनासिब समझा, इसलिए कि सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह का खर्चा बढ़ गया है और इस स्थिति में 50 रुपया कोई कंपल्शन, कोई एकदम से निर्धारित पैसा नहीं है। जो पैसा देने लायक नहीं है उसको तो मुफ्त में देखा जाएगा, और जो पैसा 5 दे सकता है वो 5 भी लेंगे, और जो नहीं दे सकता उससे कोई मतलब नहीं है, और सबसे ज़्यादा पैसा किसी से ज़्यादा नहीं लेना है, जो है 50 का सीमित है 50 रुपये। और आज के दिन में इलाज, मेडिकल इलाज बहुत ज़्यादा आसमान तक छू गया है, और एक आदमी का इलाज कराने का ताकत औकात नहीं है, ये समझना चाहिए समाज के हर इंसान को, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स एंड नर्सिंग होम्स एंड ऑल प्राइवेट क्लिनिक्स। एक आदमी जो कि 2 टाइम भरपेट खाना नहीं पा जुटा सकता है, वो आपके यहाँ 2 गोली दवाई लिखवा कर, आपके यहाँ 2 गोली दवाई लिखवा कर उससे आप 200, 500, 1000 रुपया ले लेंगे, तो ये क्या मुनासिब बात है। इसीलिए 86 वर्ष की उम्र में भी डॉक्टर एसपी मुखर्जी से इलाज कराने के लिए मरीजों की भीड़ लगी रहती है। डॉक्टर एसपी मुखर्जी के पास इलाज कराने आए मरीजों ने कहा कि ऐसे डॉक्टर धरती पर भगवान के रूप में हैं, क्योंकि आज की तारीख में यदि कोई मरीज अपना बेहतर इलाज कराना चाहता है तो फिर उसके जेब से लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एसपी मुखर्जी ही ऐसे चिकित्सक हैं जो महज 50 रुपये में मरीज का इलाज करते हैं और सस्ती दवा भी उपलब्ध कराते हैं। आजकल डॉक्टरों का फीस 1000 रुपये से कम कहीं नहीं है पूरे रांची में, दूसरे ज़िले में बहुत कम है, 1000, 2000, 5000, 10000 एक एक दिन का फीस है, 1600, 1800 ये डॉक्टर साहब 50 रुपया ये जो इलाज करें, इनका लैब में टेस्ट भी हो रहा तो बहुत कम में हो रहा है। मेरे यहाँ मेरे गेस्ट हैं वो बाहर से आए हैं, उनको मैं यहाँ दिखाने लाया हूँ। इनके यहाँ तो सस्ता है, दवा भी लिखते हैं ढंग का, जो भी दवाई लिखते हैं कंपनी की दवा लिखते हैं, साधारण कंपनी का नहीं लिखते, और दवा इनका फीस भी बहुत कम है, गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही राहत है, और टेस्ट का भी चार्ज इनका और भी जगह और भी लेबोरेटरी से सस्ता है। हम लोग तो इनके यहाँ 66 से दिखा रहे हैं, कभी भी होता है तब से भी, तब 5 ही रुपया था, आज लॉकडाउन के टाइम में तो 5 रुपया मिलता नहीं, इसलिए 50 की। लाखों रुपया लग जाता है इलाज कराने में, बहुत अच्छा है यहाँ से, बहुत काम भी, सूट भी, दवा भी करता है, हम लोग दिखा के गए यहाँ से। इनको देवता कहा जाए? हाँ, देवता कहा जाए डॉक्टर को, इधर देवता कहा जाए डॉक्टर को, भगवान के रूप में आते थे, ऐसे भगवान के रूप में देवता है। डॉक्टर एसपी मुखर्जी के पास पिछले 40 सालों से ज़्यादा समय से काम कर रहे शंकर कुमार बताते हैं कि आज भी डॉक्टर साहब प्रतिदिन 60 से 70 मरीज देखते हैं, और प्रत्येक मरीज को ठीक करने के बाद उनकी सूद भी लेते हैं और बार बार पूछते हैं कि उस मरीज की स्थिति क्या है, क्या उसे किसी तरह की समस्या तो नहीं आ रही। प्रतिदिन कितने मरीज आज भी आ जाते हैं क्योंकि डॉक्टर साहब? कम से कम 50-60 रोज आते हैं। और क्या आप लोग को मतलब जो डॉक्टर साहब जिस तरह से मरीजों की सेवा करते हैं, मरीजों की क्या प्रतिक्रिया होती है? मरीजों को बढ़िया सेवा मिलता है, नंबर लगाना पड़ता है, लाइन से भेजना पड़ता है 10-10 पेशेंट का, या सिलसिले में डॉक्टर साहब अपने बैठ के करते हैं, हम लोग हेल्प कर देते हैं, सब अपने ही करते हैं। डॉक्टर एसपी मुखर्जी के प्रशंसक सिर्फ उनके मरीज ही नहीं
बल्कि शहर के कई गणमान्य लोग भी हैं। डॉक्टर एसपी मुखर्जी पर चिकित्सा समाज भी गर्व करता है। रांची आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह बताते हैं कि डॉक्टर एसपी मुखर्जी जैसे चिकित्सक ने यह सिद्ध किया है कि धरती पर यदि कोई भगवान है तो वह चिकित्सक के रूप में ही है। डॉक्टर एसपी मुखर्जी एक आदर्श डॉक्टर के रूप में भारत के लिए जाने माने जाते हैं। उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है और वे रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी के विभागाध्यक्ष के पद से रिटायर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन मानवता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और गरीबों का कल्याण उनके हाथ से बहुत हुआ है। एक वाक्या है कि उनकी माँ जब मरी थी तो मरने से पहले उन्हें बोली थी कि बेटा गरीबों से पैसा नहीं लेना या कम से कम पैसा लेना। वे बोली थी कि केवल 5 रुपया तुम फीस रखना और इस बात को वे अब तक निभा रहे हैं। गौरतलब है कि एसपी मुखर्जी के इस प्रयास और उनके इस शुभ विचार को कोई परिभाषित नहीं कर सकता। लेकिन एसपी मुखर्जी ने खुद संदेश देते हुए ईटीवी भारत के माध्यम से यह कहा है कि प्रत्येक डॉक्टर प्रतिदिन कम से कम एक मरीज को मुफ्त में देखें, जिससे कहीं ना कहीं समाज में रहने वाले गरीब लोगों का कल्याण होगा। देखिए, संदेश तो हम बराबर देते रहते हैं, एक ही संदेश है कि बाबू आप कम से कम हर डॉक्टर हर रोज कम से कम एक मरीज को मुफ्त देखे। कम से कम एक मरीज को भी तो आप मुफ्त देखिए, इसी में समाज का कल्याण हो जाएगा। डॉक्टर एसपी मुखर्जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसे डॉक्टर हैं जो मरीजों की सेवा व्यावसायिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक सेवा के रूप में करते हैं। क्योंकि आज भी इस डॉक्टर की फीस मात्र 50 रुपये है, जबकि अन्य चिकित्सकों की फीस हजारों रुपये में होती है। डॉक्टर एसपी मुखर्जी का मानना है कि यदि डॉक्टर अपने ज्ञान का उपयोग मरीज की सेवा में करेगा तो हमारे भारत का आने वाला समाज एक स्वस्थ समाज के रूप में होगा। ईटीवी भारत के लिए महितेश कुमार चौधरी, रांची।